हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फैब्रिक फ्लोर बनाएंगे। फैब्रिक फ्लोर बनाने के लिए मैंने लेफ़्ट फैब्रिक लिया हुआ है, जो हमारा ब्लाउज या सूट बनाने के बाद बच जाता है। इस लेफ़्ट फैब्रिक से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। इस फैब्रिक की हम लेंथ लेंगे। ये देखिए, इसकी लेंथ हम 12 इंचेस ले रहे हैं, तो 12 इंचेस पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो हम इसकी चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच लेंगे। ये देखिए 1.5 लेंगे और 1.5 पे मार्क कर देंगे। सो हम इसकी लेंथ और इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। तो हम इसे कट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने पट्टी कट कर ली है। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये जो हमारी इस तरीके से थी पट्टी, अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और जो खुली वाली तरफ है, इस खुली वाली तरफ पर हम हाथों से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए मेरी खुली साइड है। अब हम सुई ले लेंगे। ये देखिए, अब मैंने सुई में धागे में गांठ लगा ली है। अब मैं धागे को इस तरीके से लूँगी और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम सुई को निकालते जाएंगे और बैक साइड से भी इसे इस तरीके से हम डालेंगे और बैक साइड से भी हम इसे थोड़ी सी दूरी की गैप पर इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसे, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूरी की गैप पर इसे डालकर ऐसा हमें पूरी इसी में करना है। पूरा फ्लावर हमारा इसी तरीके से हमें बनाना है। इसे आपको बस दोनों, इसके दोनों जो साइड से उसे आप हाथ से ज्वाइन करते जाइए। इस तरीके से पूरा फ्लावर हमारा हाथ से बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी में स्टिच दे देती हूँ हाथ से, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे में स्टिच लगा दी है हाथों से। अब स्टिच लगाने के बाद हमारी जो सुई है, हम उसे इस तरीके से लेंगे। ये देखिए हमारी सुई है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से खींचते जाएंगे। इस तरीके से हमें इसे खींचना है और इसे फ्लावर का शेप देंगे। फ्लोवर का शेप देने के लिए सबसे पहले हम इसे पूरा खींच लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा शेप बनता जाएगा। अब इसे पूरी तरीके से हम खींचेंगे। ये देखिए हमने इस सुई और धागे को खींचा है। उसके बाद हमारा ये शेप कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम सारी जगह इन प्लट्स को फैला देंगे और इसे फ्लोवर की शेप में देंगे। ये देखिए इन सारे प्लट्स को हम, और हमारी जो ये दोनों खुले मुँह है, हम इन्हें उल्टी तरफ, ये हमारी रोंग साइड है और ये हमारी राइट साइड है, तो हम रोंग साइड में इन्हें इस तरीके से लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स हमने खींच लिया है, हमारा फ्लावर बन गया है। अब हमारी दोनों साइड जो है उसे हम पीछे की तरफ लेंगे। पीछे की तरफ लेने के बाद हम इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये जो हमारे दोनों मुंह है इसके फ्लावर के, हम उसे आपस में स्टिच कर देंगे और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे इसे। और एक गांठ देने के लिए हम इस धागे में सुई को इस तरीके से डाल देंगे, तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा। इसके बाद हम एक बिड लेंगे। ये देखिए हमने आपस में अच्छे से अटैच कर दिया है, हमारा फ्लावर बन गया है। अब फ्लावर बनने के बाद हम इसे फ्लावर को राइट साइड में पलटा लिया है और मैं इसे सेंटर में सुई को वापस पीछे से ही निकालूंगी। ये देखिए इस तरीके से, और मैं एक बिड ले रही हूँ वाइट कलर का, ये मैंने बिड लिया है। अब इस बिड को हम सेंटर में लगा देंगे। इस तरीके से हम इस बिट को, मैं ये डिफरेंट कलर का थ्रेड इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से शो कर पाऊँ। आप इसके मैचिंग का ही थ्रेड यूज़ कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। सो आपको ये कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।